नमस्ते, नमस्ते। मैं आशा पांडे जन सरोकार के इस मंच से आज की हमारी मेहमान साहित्यकार कवयित्री डॉक्टर अनिल प्रभा कुमार जी का स्वागत करती हूँ। और साथ ही जो हमारे साथी जुड़ रहे हैं या आगे भी जो जुड़ते रहेंगे उन सभी का भी स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अनिल प्रभा कुमार जी, यूं तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन चूंकि मंच का नियम है कि हम अपने मेहमान का परिचय कराते हैं, तो मैं एक संक्षिप्त सा परिचय मैडम का आपके सामने रखती हूँ। आपका जन्म और शिक्षा दीक्षा दिल्ली भारत में ही हुई है, और आपने हिंदी साहित्य में एमए और पीएचडी किया है। लेखन में आप कविता, कहानी, उपन्यास आदि विधाओं पर अपनी कलम चलाती रहती हैं। बहता पानी, कतार से कटा घर, ये आपका कहानी संग्रह है, और उजाले की कसम, रिश्तों में बुनी हुई औरत, ये दो आपके कविता संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत चर्चित उपन्यास भी आपने लिखा है, मुझे लगता है शायद 2 साल हो गए होंगे उसके लेखन को, प्रकाशन को। उसका शीर्षक है सितारों में सुराख, ये बहुत जरूरी और बहुत चर्चित उपन्यास आपका है। इसके अतिरिक्त भारत की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं हमेशा प्रकाशित होती रहती हैं, और कई प्रवासी और स्त्री विमर्श केंद्रित पुस्तक पत्रिकाओं में भी रचनाएं आपकी सम्मिलित की गई हैं। घर और उसका इंतजार, ये दो कहानियां तथा धूप कविता अमेरिका के प्रतिष्ठित एल विश्वविद्यालय के हिंदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई। बेमौसम की बर्फ, यूजीसी द्वारा हिंदी बीए ऑनर्स प्रवासी कथा साहित्य के अंतर्गत चुनी गई। वर्ष 2019 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मैं रमा नहीं, ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुई। उसी वर्ष कहानी बेमौसम की बर्फ को भी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में कहानी किस लिए का महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पाठ्यक्रम के लिए भी चयन किया गया। आपका कार्य क्षेत्र विलियम पैटरसन यूनिवर्सिटी न्यूजर्सी में आप हिंदी भाषा और साहित्य का प्राध्यापन करती रही हूँ। अगर मैं आपको मिले पुरस्कार और सम्मान की बात करूं, तो ज्ञानोदय पत्रिका के नई कलम विशेषांक में अपनी पहली कहानी खाली दायरे जी, इस पर आपको प्रथम पुरस्कार मिला है। अभिव्यक्ति कथा महोत्सव में फिर से, ये फिर से कहानी शीर्षक है, फिर से कहानी को पुरस्कार मिला है। 2018 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा विदेश हिंदी प्रसार उस पुरस्कार से भी आप सम्मानित की गई हैं। इसके अतिरिक्त 2020 में ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान में कहानी विधा के लिए आपका संग्रह कतार से कटा घर को चयनित किया गया और सम्मानित किया गया। इस समय आप अमेरिका में रह के स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य कर रही हैं। ये आपका संक्षिप्त साहित्यिक परिचय मैंने यहाँ रखा। अब चूंकि हमारी आगे की बात शुरू हो, तो मुझे आपके ही संग्रह से, इसी जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, रिश्तों में बुनी हुई औरत, इसकी जो भूमिका आपने लिखी है, उसका एक वाक्य मुझे बहुत अपील करता है, बहुत सुंदर लगता है। पहला ही वाक्य मैं उसे पढ़ती हूँ और उसके बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे। आपने लिखा है, कहानियां मैं लिखती हूँ और कविताएं मेरे भीतर बजती हैं। बस यही एक वाक्य आपके कहानी के प्रति सोच और कविता के प्रति आपके प्रेम और सोच को व्यक्त कर देती है। इसी से जुड़ा हुआ फिर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, इस वाक्य से जुड़ा हुआ, कि मैं जानना चाहती हूँ कि जब कोई विषय आपके आपको उद्वेलित करता है, आपके मन में कोई पीड़ा पहुंचती है अंदर तक, संवेदना से जुड़ता है, तब आप उस विषय के बारे में ये कैसे तय करती हैं
किस विषय पे कविता लिखी जाए या कहानी लिखी जाए या उपन्यास लिखा जाए। कहने का मतलब ये कि आप लेखन की विधा किस तरीके से तय करती हैं, आप कृपया इस पे कुछ तय नहीं करती, विषय अपने आप तय करता है। जी जैसे आपने कहा कि जब उद्वेग होता है एकदम से, तो इतना विचार का समय नहीं देता कि आप बैठकर उस पर मनन करें और ये लिखें, अच्छा इसको ऐसे लिखा जाए। वो तो बस उद्वेग की तरह उठता है और वो बन जी जाती है। और जी मतलब जैसे मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता रही हूँ, मैं उपन्यास जब लिख रही थी, वही एक लंबी चीज जब मैंने लिखी, तो एक जी किसी विषय में कहीं से एकदम से मन में एक भाव आता था। मैं पास पड़ा जी हुआ, मैं लीगल पैड्स पे लिखती हूँ, फटाफट मैं कुछ पंक्तियां घसीटती जाती थी और फिर पढ़ लेती थी कोई कॉमा जो ठीक है, और उसको रख दिया और फिर उपन्यास लिखना शुरू हो गए। कविता हाँ विचार की आवश्यकता नहीं थी, पर विचार होता है, भावनाएं होती हैं, कहीं बिखरी होती हैं। एक पल आता है जब वो आपके अंदर पूरे जोर से उसका बाहर निकलना चाहती है, और अगर तो आपने लिख लिया तो कविता लिखी गई, नहीं तो जी चले। और जब कहानी लिखते हैं तो जी आप सोचते हैं उसके बारे में कि उसको किस तरह से लिखा जाए। मैं कहानी के बारे में काफी सोचती हूँ, पता है कि ये लिखना है, कुछ घूमड़ रहा है, इसको आकार कैसे दूं, इसको किस पृष्ठभूमि में लाऊं, शुरू कहाँ से करूं, अंत कहाँ करूं, कुछ बीच में काटना छाटना चलता है। कविता में बिल्कुल अलग तरीके से लिखी जाती है, वो उद्वेग जी है, बुलबुले की तरह से उठता है, बड़ा मारक होता है वो, और उस पर जब लिख जी दिया तो बस हो जाता है कि हाँ हमने कर दिया। तो ये विधा अपने आप तय हो जाती है, मैंने कर दी। जी आप बहुत सही कह रही हैं, विधा अपने आप तय होती है। कविता दिल की एक क्षणिक प्रेरणा होती है, कोई भाव उमड़ता है और हम उसे कह देते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि आज की हमारी बातचीत कविताओं पर ही केंद्रित है। आपके दूसरे कविता संग्रह मतलब रिश्तों में बुनी हुई औरत, इस पर तो मैं चाहती हूं कि हमारी बात आपकी किसी कविता से ही शुरू हो। तो आप कोई अपनी एक कविता यहाँ पाठ करें, कविता का, और उसके बाद हम फिर आगे की बातचीत बढ़ाएंगे। जी हम लोगों ने जी जब मैंने कविता लिखी तो क्या होता है, आशा जी आप स्वयं कवयित्री हैं और जानती हैं, मन में बहुत से भाव, बहुत सी चीजें कहीं ना कहीं घूमी होती है, हम उनको शब्द नहीं पकड़ पाते। तो मैंने भी लिखना जी बहुत जी दिनों के बाद, बहुत अरसे के बाद शुरू किया, तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपने को ही अभिव्यक्त करते हैं। मैं आपको एक कविता पढ़ जी सुनाती हूँ। औरत इंतजार करती है जी अपने सपनों को, आंचल की तहों में छिपाए औरत जी इंतजार करती है, कब उसका वाह सर घर जहां वो अपनी जी मर्जी से उसे सजाए, पसंद का पकाए, घूमे फिरे अपनी पसंद के साथी के साथ। ये औरत सपने वाह देखती है, जी जी बिल्कुल घूमे फिरे अपनी पसंद के साथी के साथ, बच्चों पति ससुराल उनकी पसंद को संभालते वो भूल जाती है कि उसे क्या, ओ जी हाँ फिर इंतजार करती है बहुत बच्चों के बड़े होने का, जिम्मेदारियों से फारिग होने का, उनसे निपट कर वो ढूंढती है अपनी पसंद को, अपने जुनून को, प्यार से सहलाती है उस फूली हुई संदूकची को जिसमें उसके सपने अभी भी सांसें ले रहे हैं। वाह वाह बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत जी छूती है, अब वक्त आ गया है, उठो सपनों, उड़ो खुले आसमान में, वो शिथिल से पड़े हैं, फूल गए हैं सब कुछ, औरत इंतजार ओ करती है, शायद फिर याद आ जाए इन्हें उड़ने की आदत। वाह वाह बहुत सुंदर कविता। और आपने तो आधी आबादी के मन की बात कह दी। चाहे कितनी भी सफल महिलाएं हुई होंगी, लेकिन इस दर्द को सबने झेला होगा। एक समय आता है जब महिलाओं का कुछ कर पाना मुश्किल होता है, बच्चों को पालना, घर गृहस्थी, ये हर हर के साथ जुड़ा होता है। तो ऐसे में वो सपने इंतजार करते करते दम तोड़ देते हैं, जब तक औरत खड़ी होती है फिर से उनको जगाने के लिए। बहुत सुंदर कविता, आपकी बहुत अच्छी कविता है।
मैं अपनी कविताओं में आपसे एक अगला ये चाहूंगी जानना कि आप अपनी कविताओं में स्त्री पात्र को कैसे किस रूप में चित्रित करती हैं। यहाँ से तो समझ में आया कि आप उनके बहुत गहरे दर्द को उभारती हैं, इसके अतिरिक्त भी अन्य कविताओं में भी स्त्री पात्र को आप कैसे चुनती हैं या किस रूप में चित्रित करती हैं? जब मैं स्त्री पात्र की बात करती हूँ तो जो सदियों से छुपा हुआ विद्रोह है, छुपी भावनाएं हैं, वो मेरे मन जी में आ जाती हैं। मेरे दो कविता संग्रह हैं, एक तो है जी पुराने वाला उजाले की कसम, जी जी तो मैंने देखा और दूसरा है रिश्तों में बुरी औरत। मैंने दोनों में जी अंतर पाया, वो शायद अच्छा 2013 में 10 साल का अंतर हो गया होगा, कि जब जी मैंने उस समय लिखा था जो औरत की स्थिति थी, जो उसके संघर्ष जी जैसी थी, मैंने उसे कोई जी कुछ कहा नहीं, मैंने चित्रित किया उसकी स्थिति को। लेकिन जब मैं दूसरी पुस्तक लिख रही, पुस्तक में मैंने देखा कि मेरे अंदर एक नारी के नाते एक जागरूकता है, सजगता आई है, मैं विद्रोह कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। और मेरा इसमें उन्होंने एक, मैं आपको बताती हूँ, ये एक्चुअली मेरे बाद में शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से मायावनी जी ने कहा, औरत पैदा, एक सूक्ति है, औरत पैदा नहीं होती, औरत बनाई जाती है। नहीं पंक्ति जाती में ना केवल स्त्री की जीवन गाथा का मर्म छिपा है, वरना सदियों से स्थापित पुरुष सत्ता के षड्यंत्रों का ब्लूप्रिंट भी इसी में देखा जा सकता है। एक स्त्री औरत बनाना, इस एक शब्द में धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता, राजनीतिक सत्ता, और कुल मिलाकर कहें तो पुरुष सत्ता जाने कितने छल छंद रचती आई है। नियम, संस्कार, मर्यादा और नैतिकता के सारे पन्ने इसी स्त्री के एक नाम पर रखे गए हैं। जो भी इन सबसे हाँ बड़ी, बिल्कुल सटीक ये कहना होगा, सबसे बुरी जाति है कि स्त्री, जो मेरी कविता है जी उसी के आधार पर उन्होंने जी कहा बुनी गई है। और ये औरत रिश्तों की बनावट में कभी माँ हो सकती है, कभी पत्नी, बहन, बेटी या मित्र भी, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उसे हर रूप में औरत बनाया जाता है। और बिल्कुल अब सवाल यह बिल्कुल कि स्त्री के भीतर जो स्त्री थी, स्त्री जो विद्रोह करना चाहती है, उस भीतर की स्त्री को बनाए रखने के लिए उस स्त्री का क्या हुआ? तो जवाब है, वो स्त्री अब कविताएं लिखती है। कम से कम उस स्त्री में ये चेतना तो आप ले आई कि वो कविताएं लिखती है ना, नहीं तो सपने खोजती रह जाती। उसने सपने खोज लिए हैं, तो बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया। और जी, और माया मृग जी ने बहुत सही तरीके से आपकी कविताओं पे जो कुछ लिखा, जो कहा, वास्तव में बहुत एक एक कविता को ध्यान से पढ़ा है और उसी के मर्म को उन्होंने व्यक्त किया है। मैं अभी जब आप औरत की बात कर रही हैं, औरत बनाई जाती है, तो आपकी यही कविता मेरे मन में एक लोभ आया कि मैं उसका पाठ करूं। जरूर तो यही वाली औरत बनाई जाती है, मतलब बुली जाती है, जिस विषय को आप अभी बोल रही थी, तो मैं आपकी इस कविता का पाठ करना चाहूंगी। शीर्षक है यही, जो कविता संग्रह का शीर्षक है, रिश्तों में बुनी हुई औरत। वाकई ये बहुत अच्छी कविता है, मुझे लगता है हमारे श्रोता, हमारे दर्शक इसे निश्चित रूप से बहुत पसंद करेंगे। रिश्तों में बुनी हुई औरत, औरत संबंधों को बुनती है, औरत संबंधों को बुनती है ताकि उष्मा बनी रहे जिंदगी में, हाथों से बुनती है, निगाहों से निहारती है और सोचती है कितनी बुन चुकी वह खुद ही जिम्मेदारियों की सलाइयों पर। औरत संबंधों को बुनती है ताकि उष्मा बनी रहे जिंदगी में, हाथों से बुनती है, निगाहों से निहारती है और सोचती है कितनी बुन चुकी वह खुद ही जिम्मेदारियों की सलाइयों पर। फंदे कभी दो सीधे, कभी दो उल्टे, जरा सा सीधा बुनी गई, फिर तीन घर गिरा दी गई, अगले पर ऊपर उठा दी गई, वह सुनती है आवाजें, अब कस तो फंदा, मगर ध्यान से, अब सद गई ना, ढीला छोड़कर यूं ही दूसरा फंदा उठा लो, पीछे से बुन कर लाओ, आगे से यूं ही बढ़ा दो, लपेट लो इसे इन्हीं तीन घरों में।
जो छूट गया, जो अब है और जो इसी ने नया गढ़ा है। अब यह बुनावट धंसती जाएगी, अपने ही घरों को बचाती, अपने ही रचे धागों के मोह में लिपटती, आगे बढ़ती, एक सुंदर आकार देने की कोशिश करती, आखिरी घर तक पहुंच गई। रुक कर सी सोचती है, वह तो खुद ही बुनी गई। रुक कर सोचती है कि वह तो खुद ही बुनी गई, इसे रचने में खत्म हो गई, लो कसकर गांठ लगा लो। इसे रचने में खत्म हो गई, लो कसकर गांठ लगा लो, बस बुन गई सारी जिंदगी। रिश्तों के धागों में लिपटी औरत थकी आंखों से देखती है, ठीक ही तो है, निभ गई बुनाई। ये बहुत ही अच्छी कविता है, स्त्री के मन भाव को और उसके जीवन को व्यक्त करती हुई। और अंत में जब वह सोचती है कि इन धागों के साथ, इन फंदों के साथ वह खुद ही बुनी गई, तो ये कविता मुझे आपके संग्रह की बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं भी वो लोभ संवरण नहीं कर पाई कि इसका पाठ कर दूं। पाठ भी बहुत अच्छे किया कविता, बिल्कुल बहुत जी अच्छे से आपने पाठ कर। जी धन्यवाद। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप कहानियों के स्त्री पात्र आपके और कविताओं के स्त्री पात्र से क्या भिन्न होते हैं, यानी कविता के स्त्री पात्र और कहानियों के स्त्री पात्रों में क्या किसी प्रकार की भिन्नता रख पाती हैं आप व्यक्त करने में उनको? हाँ, मैं सोचती हूँ कहानियों में जो मेरे स्त्री पात्र हैं और जी कविताओं भिन्न हैं। मैं यदि इसके बारे में सोचूं तो, क्योंकि जो कहानियां हैं वो जीवन से ली जाती हैं, जो यथार्थ है, जो वास्तविक है, वो जी अपने आप रची जाती हैं। मैं उनको गढ़ नहीं पाती, उनको मैं अपने सब डाल सकती उन पात्रों में, जो जैसे हैं वैसे ही चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं उनको सकारात्मक रखती हूँ, मैं उन्हें नकारात्मक से रोक सकती हूँ। लेकिन जब मैं कविता लिखती हूँ तो कविता को मैं खुला आकाश देती हूँ, उनको हवाओं में बिल्कुल बहने देती हूँ। जो मेरा, जिसको कहते हैं ना, सपने हैं, जो मैं चाहती हूँ, जिसको विशफुल थिंकिंग आप कह सकते हैं मेरी है, मैं बिल्कुल सारी बातें अपनी कविताओं में डाल देती हूँ। जैसे उनको कविताओं कविताओं में मैं स्त्री को क्या चाहती हूँ, सूरज और चांद को पकड़े, नभ में उड़े। मैं आपको इसके बारे में एक अपनी कविता सुनाती हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत है। इनफैक्ट वो नहीं, मैं आपको सुनाती हूँ एक और कविता, कतरे हुए पंख। हाँ, जी ये स्थिति है, पर मैंने इसको, क्योंकि कविता लिखी है तो मैंने अपनी उसमें डाला है। कब से कतरे जा रहे हैं मेरे पंख, स्त्री कहती है, कब जी से कतरे जा रहे हैं मेरे पंख, पीढ़ी दर पीढ़ी, हर देश में, हर जी काल में, हर हाँ धर्म में, हर समाज में। उन्हीं के द्वारा जी जो जन्मते हैं मुझसे, मेरी ही आग से हाँ तपकर एक दिन खड़े हो जाते हैं, मेरे ही सामने तेज धार धार हथियार लिए। उनके कानून उन्हीं का न्याय, उन्हीं की सत्ता, काट जी दिए जाते हैं मेरे पंख, हर बार जी मैं सिल लेती हूं अपने घायल वाह पंख, और फिर जी तैयार हो जाती हूँ एक नई उड़ान के लिए, सूरज को भरना है मुझे अपनी बाहों में। बहुत सुंदर। यही जो एक बार तैयार हो जाती हूँ और सिल लेती हूँ अपने पंख, यही बहुत सुंदर संदेश है, और सबको इस संदेश को अपनी कोशिश भर ग्रहण करना चाहिए। मुझे लगता है ये ये देखिए, सकारात्मक बात। जी कतरे हुए पंख सिल और सुई धागा लेकर सिल रही है उड़ान के लिए, पता रही है उड़ान नहीं के लिए। करते रहो हम जोड़ते जाएंगे हाँ और हाँ बढ़ते। ये बात मैं कविता में लिख जी सकती, कहानी में लिखने के जी लिए बड़ा कोई विशिष्ट पात्र मेरे ध्यान में हो, किसी को देखा हूं, पर यथार्थ और वास्तविकता में अंतर है। लेकिन कविता में मैं ये सकारात्मकता दे सकती हूँ, लिख सकते हैं। जी 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 बहुत बहुत सुंदर कविता का भी आपने अपनी बात को रखने के लिए
कहानी और कविता में किस तरीके से आप स्त्री पात्रों का चयन करती हैं, भिन्नता को बताने के लिए आपने बहुत अच्छी कविता का चयन किया। मेरे मन में एक इच्छा है, मौका समय भी है, मैं चाह रही थी कि आपकी एक कविता है विष और अमृत, अगर आप उसका भी पाठ करें, क्योंकि मैंने देखा कि वो भी इसी तरीके की कविता है जो वो भी जो स्त्री की स्थिति है, जो जैसे ये पहली कविता संग्रह से ही समझ लीजिए कि ये भाव चलता आ रहा है, बहुत चतुराई से उस जी उन्होंने, अभी मायाब्रिक जी ने भी पढ़कर इसी का उन्होंने तत्व बताया कि ये किया जाता है, बनाया जाता है, हम लोग सब बनाए जाते हैं बनाए संस्कार जाते हैं। जी सामाजिक हाँ हाँ दायित्वों से, बहुत चतुराई से उसको खुट्टी में मिला दिया गया था, एक आत्महत्या विष, उसे अपने को हाँ मारना था, उसे हाँ अपने मारना था, धीरे धीरे घुल जाना था, एक आदर्श प्रतिमा में ढल जाना था। उस जी बहुत चतुराई से उसको खुट्टी में पिला दिया गया था, एक आत्महत्या विष, उसे अपने को मारना था, धीरे धीरे घुल जाना था, एक आदर्श प्रतिमा में ढल जाना था, उसकी सोच के रासायनिक बेमेल निकल आए, हाँ दलदली युद्ध भूमि पर सारी उम्र लड़ती रही, ना उसने हार मानी ना उसे जीत मिली, वह जी बीच में अटकी इंतजार कर रही है, पीढ़ियों से फैले विष और जीने के अमृत में कौन बच पाता है। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने सही में महिलाओं की बहुत, जो कहते हैं ना, बहुत नाजुक सी नज्म होती है जो, उसको पकड़ा है। इससे ये कविताएं आपकी हर महिला को अपनी सी लगती हैं, लगती होंगी, मुझे लगी तो मुझे लगता है ऐसे सबको लगती होंगी। बहुत सुंदर। अच्छे होते हैं भावनाएं जब जाग जाते हैं तो सभी की एक ही राह निकलती है, हर कोई ये चाहता है एक कि ऐसा जी हो, तो फिर वही भाव जी जी जागने शुरू हो जाते हैं दूसरों में भी। और मुख्य बात ये भी है कि स्त्री जीवन कहीं कम ज्यादा करते हुए लगभग समान है। कुछ जिम्मेदारियां, कुछ पंख कतरने वाली बात, कुछ दबा के बैठा देने वाली बात, ये हर जगह बड़ी समान सी है। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा, किसी के लिए थोड़ा कम। और कहीं कहीं तो ये जो आपने कहा अपनी कविता में कि बड़ी चतुराई से, कि मतलब लगता है कि हमें छूट दी गई है, लेकिन एक्चुअली वो छूट उस तरीके से नहीं होती है। मुझे याद आता है कि जैसे बड़ी सी रस्सी में किसी जानवर को बांध दिया जाता है कि वो उतनी ही दूर घूम घूम के चरता रहे, भाग भी ना पाए, और उतनी दूर में उसको खाना मिल जाएगा, और वो जानवर सोचता है मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन वो जब स्वतंत्र, मतलब उसे लगता है कि मैं तो बहुत स्वतंत्र हूँ, लेकिन जहां वो थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेगा तो खूंटा जिसमें बंधा है वो खींच लेगा उसे। तो इस तरीके की जो चतुराई होती है कि हमें कहीं कहीं तो इस कहीं कहीं सीधे नहीं रोका जाता है, इस चतुराई के साथ भी रोका जाता है। तो आपकी कविता में ये बात भी बहुत गहराई से उभर के आई है। तो बोलती हूँ सही क्या में बात, बोलती हूँ जी भी हाँ, बोलती गुड़िया जी बोलती, इसका भी मैं चाहूंगी कि अगले बाद में आप इसका भी पाठ करिएगा। ये कविता भी बोलती गुड़िया बोलती गुड़िया भी बहुत अच्छी कविता है। तो अभी अभी कर लेती हूँ फिर इससे रिलेटेड। जी, बोलती गुड़िया वास्तव में काफी अच्छी कविता है, मुझे बहुत पसंद आई थी। अच्छा हुआ कि इस जिक्र के साथ ही इसका पाठ कर लिया जाए। उस गूंगी गुड़िया को, उस गूंगी गुड़िया को अब बोलने की आजादी है, उस गूंगी गुड़िया को अब बोलने की आजादी है, खूब बोलती है, जी भर कर हंसती है, बहस करती है, नारे लगाती है, मुहिम चलाती है। उसका साथी मंद मंद मुस्कुराता है, गुड़िया नहीं जानती कि वह अनजाने में तमगे लगाती जाती है उसे, कितना उदार, महान, प्रगतिशील साथी है वह। गुड़िया नहीं जानती कि वह अनजाने में ही तमगे लगाती जाती है उसे, कि कितना उदार, महान, प्रगतिशील साथी है वह। गुड़िया उसी का तो कद बढ़ाती है। वह यह भी नहीं जानती उसके भीतर जो स्मार्ट चिप छिपा है,
ये शब्द ही, स्मार्ट चिक का चयन आपने जो किया ये गजब का है कि वो ये नहीं जानती कि उसके भीतर जो स्मार्ट चिप छिपा है वह उसके साथी ने ही तो लिखा है। अचानक एक दिन वह चिप गड़बड़ा गया। अचानक एक दिन वह चिप गड़बड़ा गया। गुड़िया अपनी ही भाषा बोलने लगी, हर बात को अपनी ही कसौटी पर कसने लगी। घबरा गया साथी, घबरा गया साथी, नाराज हो गया साथी, झल्ला कर फेंक दी गुड़िया उसने। गुड़िया हैरान परेशान, गुड़िया हैरान परेशान, कहां क्या गलती हो गई। बस इतना जाना कि अब वह अकेली हो गई, पर अब उसे अपनी ताकत का एहसास था, अपनी आजादी का अनुमान था। वह पहले ही की तरह खूब बोलती है, जी खोल कर हंसती है, बहस करती है, नारे लगाती है, मुहिम चलाती है। लेकिन अंत जो आपने किया है इस कविता का ना, वो बहुत गजब का है। हम बहुत सबसे टूट के नारे लगाएं, मुहिम चलाएं, अपने को शक्तिशाली समझ लें, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक दिल होता है ना, तो आपने उसका जो अंत में बयान किया है वो गजब इस कविता को बहुत बड़ी कविता बनाता है। अंत में आप लिखती हैं, पहले तो ये है कि अपनी ताकत का एहसास था उसे, अपनी आजादी का अनुमान था। वह पहले ही की तरह खूब बोलती है, जी खोल कर हंसती है, बहस करती है, नारे लगाती है, मुहिम चलाती है, पर रात के सुनसान अंधेरों में, रात के सुनसान अंधेरों में थक कर लेटती है गुड़िया। अकेलापन धस जाता है कहीं बहुत भीतर तक। रात के सुनसान अंधेरे में थक कर लेटती है गुड़िया। अकेलापन धस जाता है कहीं बहुत भीतर तक। यह नया चिप कहाँ से आया, नम आंखों से सोचती है गुड़िया। तो अभी जो अपनी बात हो रही थी उसी से रिलेटेड आपने ये जो कविता लिखी थी इसका पाठ हम लोगों ने किया। बहुत अच्छी कविता है ये आपकी, बहुत महीन दर्द को आपने पकड़ा है इसमें। ये अब मैं सत्य है कि स्त्री जब भी स्वतंत्र होने की कोशिश करती है, जब भी आवाज जी उठाने की कोशिश करती है, समाज से, परिवार से अलग कर दी जाती है, उसको कीमत देनी पड़ती है। जी सहज बिल्कुल शायद सहज कोई नहीं होता। भी देश हो, भारत हो, हाँ अमेरिका हो, कहीं भी हो, किसी भी हाँ देश, जी स्त्री का जीवन वही चलता है। थोड़ा कमोबेश अंतर हो सकता है, पर ज्यादा हाँ अंतर हाँ हो पाता है। हाँ जी वह बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कहीं भी हो, कोई भी देश हो, लेकिन है वो इस तरीके से कि उनको उनके दर्द अलग हैं हर जगह। जी तो मैंने जब आपकी कहानियां पढ़ी और आपका उपन्यास पढ़ा सितारों में सुराग, तो मैंने ये देखा कि आपकी कहानियों में और उपन्यास तो पूरी तरीके से सब जगह अमेरिका धड़कता है। कहानियों में भी, बहुत सी कहानियों में, ज्यादातर कहानियों में अमेरिका है, लेकिन आपकी कविताओं में कुछ एक को छोड़ के कहीं कहीं है कोई एक ऐसा अनजाना सा देश या अनजानी सी जगह। तो इसका क्या कारण है, कविताओं में उस तरीके से अमेरिका क्यों नहीं आया जहां आप इतने वर्षों से रह रही हैं? देखिए, कहानियों लिखने के लिए एक स्थान चाहिए, घर चाहिए, दीवारें चाहिए, खिड़कियां चाहिए, दरवाजे चाहिए, व्यक्ति चाहिए, चरित्र चाहिए, देश, पात्र चाहिए, भाषा चाहिए। ये तो कहानियों के जी बिना बनती नहीं है, ये तो उनके लिए ईंट गारा है। नहीं बिल्कुल और जहां तक बिल्कुल कविताएं हैं वो तो हवाओं पे लिखी जाती हैं, एक देश अरे वाह, क्या मैंने, देश। आपने तो इस वाक्य को ही कविता बना दिया, ये कविता की पंक्ति बन गई कि कविताएं हवाओं पे लिखी जाती है। जैसे सूरज, जी चांद, पानी, धरती की सीमा नहीं होती, मनुष्य बनाता है, कविताओं की सीमाएं कहाँ होती हैं। ये तो जो जी एक उद्वेग है मन में उठता है, कहीं भी उठता है, कहीं भी होता है, मेरा देश है, अगर उसमें कोई बात मुझे खुशी देती है या मुझे दुख देती है तो उसकी प्रतिक्रिया तो लिखी जाएगी ना। उसके लिए कोई जी जमीन की जरूरत नहीं है, कोई चरित्र नहीं, कोई पात्र की आवश्यकता नहीं है, भाषा मेरी है, जी मैं अपनी भाषा में जी लिख रही हूँ, तो वो जो दर्द उकेरती हूँ, जो मैं लिखती हूँ, वो तो सब जगह एक ही होता है। इसलिए कविताओं को मैं जो बात करती हूँ, जैसे अभी हम
अभी इतनी देर तक हम लोग बात कर रहे थे स्त्री के बारे में, उसके सपनों के बारे में, उसकी इच्छाओं के बारे में, उसकी मुक्ति के बारे में, उसके संघर्ष, वो तो सभी जगह होता है। उसके लिए कोई आए तो नहीं चाहिए कि यहाँ इस जगह में तुम्हारा ये होगा, इस जगह में ये होगा। ये तो मन भाव है और उड़ते हैं। और क्यों, भारतीय हूँ, भारत में मेरी जड़ें हैं, मैं भारत में जमी पली हूँ, तो आ जाकर मन वहीं जाता है, वहां के दुख अपने में आते हैं, मिट्टी वहां की है, जड़ें वहां की हैं। तो पर नहीं, उसके लिए किसी की जरूरत ही नहीं है, वो तो उद्वेग उठता है, भावना आती है और बस कलम उसको उतार देती है। इसलिए उसमें अमेरिका और भारत की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम कहानियां लिखते हैं तो कोई समस्या, हम जैसे आपका उपन्यास है तो मुझे बहुत पसंद आया, और ज्यादातर मैंने देखा कि अन्य लोग भी उसकी बहुत चर्चा किए, तारीफ हुई। तो वो अमेरिका की जो गन संस्कृति है उसको लेकर है, तो वो एक समस्या है ना, वहां की समस्या है, उस पे आप कलम चला रहे हैं। कविता इस तरीके से नहीं लिखी जाती, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझाया, तो सही बात है। बताती हूँ, जब मैं लिख रही थी कहानियां और मैं शुरू ही की थी, ये तो भला हो इंटरनेट का कि अब मेरे को बहुत पता लग जाता है, नहीं तो बिल्कुल कटे पटे पड़े थे, कुछ पता नहीं भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या जाना है, कौन पढ़े, कौन सी पत्रिका में। फिर जो मेरे लिए संघर्ष का समय था, कोशिश भी नहीं की, लिखा भी नहीं गया। तो मैंने शुरू में कहानियां लिखी, तो एक बहुत अच्छी वरिष्ठ लेखिका थी, तो मैंने बोला आप लोग किसानों की समस्याओं पे लिखते हैं, दलितों की, मैं वैसे नहीं लिख सकती। तो कहने लगी तुम्हें जरूरत भी नहीं है, उन्होंने मुझसे कहा तुम जहाँ हो, जिस जगह हो, वहां का प्रतिनिधित्व करो और हमें बताओ कि वहां क्या हो रहा है। अब ये मेरे लिए एक बहुत कठिन बात हो जाती है, मैं तो इस जगह में इतनी रची ही नहीं हुई भीतर तक कि मुझे अमेरिका की संस्कृति का बहुत गहरा पता हो या समस्याओं का, और ये लोग हर चीज बड़ी ढकी होती है। तो अगर कोई बात मेरे, कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैं कम लिख पाती हूँ, एक और कि जैसे ये समस्या थी उसमें जो मैंने ली, तो उसने मुझे छुआ, तो मैंने कहा मैं लिखती हूँ, तो मुझे लगा कहानी, विधा की बात आपने जो की थी शुरू में, कहानी लिखती हूँ, पर लगा नहीं इसमें पक्ष भी है, ये भी है, तो ये इसको ज्यादा विस्तृत मुझे पृष्ठभूमि चाहिए होगी, विस्तार चाहिए, तो उपन्यास लिखा गया। और वो मुझे अच्छा इसलिए भी लगा, वो एक ऐसी समस्या थी, है अभी भी है, चल रही है अभी तक, कि किसी को दुनिया में पता ही नहीं इतने समृद्ध देश के भीतर क्या हो रहा है। किसी ने कहा आपने तो लोहा ले लिया बड़ी बहादुरी की, मुझे तो मालूम नहीं मैंने बहादुरी की या नहीं की, मुझे लगा ऐसा हो रहा है और मुझे संवेदना के स्तर पर छुआ, तो लिखते गए, फिर उसमें विचार पक्ष भी आ जाता है, बहस भी होती है, बातें आती हैं, लेकिन कविता में विचार और तर्क इतना नहीं होता जितना आता है थोड़ा बहुत। हाँ, भी आता है ना, तो कोई विचार ने आपको तंग किया है तो आप लिखते हैं। तो उसी तरीके से जो आजकल हो रहा है, जो स्थितियां हैं, असल में मेरे दिमाग में कई कविताएं आ रही हैं। गौरैया भी बड़ी सुंदर है इस तरीके से, अगर आप जैसे जो हमारा आप बताइए, आपने आगे भी कहा आपको अच्छी लगी है। हाँ, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके उसमें अमेरिका बहुत कम है, तो ठीक है अमेरिका का नाम नहीं है, लेकिन आपकी उस कविता में ये है, एक दर्द है, और वो गौरैया है। जी, तो मुझे आप जो सुनाना चाह रही उसे उसे सुनाने के बाद आप गौरैया का भी पाठ कर दें। गौरैया पढ़िए, जी गौरैया पढ़िए, हम बात करते हैं उसपे। मैं पढ़ूं गौरैया? आप पढ़िए। अच्छा अच्छा अच्छा। अपनी मिट्टी की पहचानी गंध, अपनी मिट्टी की पहचानी गंध, चटक रंगों का खिलंदड़ापन, अपनों की एक नरम गरमायश, मौसम की बदलती करवटें, वह पहचानी जगहें, वह लौट लौट आती यादें, सब पीछे छूट गई है। मेरे इस घर के पिछवाड़े या सामने दरवाजे के आगे उगे घास के गलीचे पर मिट्टी कुरेद कुछ ढूंढती चिड़ियों के झुंड मुडेरों पर बैठते हैं।
फुदकती हुई गौरैया अपने पन से भर देती है, जैसे गौने में साथ आई हो मेरे मायके से। देखिए यही तो है वो प्रवास का दर्द, कि जी फुदकती हुई गौरैया अपने पन से भर देती है, जैसे गौने में साथ आई हो मेरे मायके से। मैं होठ टेढ़े कर भौहें ऊंची कर एक फिल्मी संवाद बोलती हूँ, मेरे पास गौरैया है। ये बहुत अच्छी कविता है, और मुझे तो इस कविता में ये लगा कि ये जो मेरे पास गौरैया है, ये जो गर्व है, ये गर्वोक्ति है, ये खाली उस पक्षी का मतलब स्थूल रूप में उसे हम ना समझें, उसे हम इस तरीके से भी ले सोचें। और मुझे लगता है ज्यादा गहरी बात आपने यही कही है कि हमारे भीतर एक गौरैया है, जो भले वहां से आई है, इस मिट्टी में भी है गौरैया जो कुदकेगी या कुदक रही है। तो मुझे ये कविता भी बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं चाहती थी आप इसका पाठ करें। पर इसी से संबंधित एक और कविता, भी अपने अतीत से पीछे जो छोड़ आए हैं, जो जड़े हैं उनसे जोड़ती है, और वो हम मिस करते हैं, याद उनसे जी कमी खलती है। ये एक हल्की सी दर्द की लहर है जो इस शब्दों में आ जाती है, उसको देखकर आपको जाती, याद आती है, बात करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक छोटी सी कविता आपकी मेरे उसी प्रश्न से जुड़ी हुई कि अमेरिका नहीं धड़कता, पर कुछ कविताओं में है वो बात, वो है मनी प्लांट। मैं चाहती हूँ आप उसे पढ़ें, जरूर पढ़ें, छोटी कविता है, समय है, तो आप उसे पढ़ें। जी, जुनी बहुत छोटी कविता है लेकिन उसी तरीके का दर्द है। मनी प्लांट की बेल। शीशे के पारदर्शी गुलदस्ते में, शीशे के पारदर्शी गुलदस्ते में वह पनप रही है रोशनी और हवा कर। शीशे के पारदर्शी गुलदस्ते में वह पनप रही है रोशनी और हवा पर, मिट्टी से कट कर जमती नहीं पर तिर रही है। मिट्टी से कट कर जमती नहीं पर तिर रही है उसकी जड़ें पानी पर मेरी ही तरह। ये मेरी ही तरह जो अंतिम लाइन है ना, वो पूरी कविता को जान देती है और एक नए भाव में लाके डाल देती है। बहुत अच्छी आपकी ये कविता है, और कायदे से तो ये पूरी पूरा संग्रह ही बहुत, एक एक कविता इसकी अपील करती है पढ़ने लगी है तो धन्यवाद। अब मैं इस सिलसिले में, अभी जब हमारी बातचीत हो रही है तो मैं ये पा रही हूँ, देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छी हिंदी में अरे बात वाह, कर रही हूँ। तो मैं, मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि इतने वर्षों से आप अमेरिका में हैं लेकिन आप अपनी हिंदी को संभाले हुए हैं। आपकी लेखन में तो है, लेखन में तो आप बहुत अच्छी हिंदी लिखती हैं, लेकिन जैसे बोलचाल की भाषा में, जैसे जब हम यहाँ भारतीय भी बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं कई बार, तो वहां अमेरिका में मैं समझ सकती हूँ, जहाँ अंग्रेजी के बीच में आप थोड़ा सा हिंदी को किसी तरह संभालती होंगी, उसके बावजूद भी आप बहुत सधी हुई और अच्छी हिंदी में बात कर रही हैं। मैंने महसूस किया अभी अभी भी बातचीत के दरमियान भी आपने कहा, और अपनी पहले भी एक आध जो बात हुई फोन पे उस पे भी हुआ था, आपने भारत कहा, हर बार आपके मुंह से भारत निकला, तो मैं एकदम चकित थी, क्योंकि हम भारतीय ही भारत भूल रहे हैं और इंडिया कहने के अभ्यस्त होते जा रहे हैं। तो अपनी हिंदी को, अपनी बोलचाल में भी, जहां आपको बहुत ज्यादा समय इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, वहां भी आप हिंदी को किस तरीके से संभाली है, इसके लिए क्या प्रयास करती हैं, कृपया इसका खुलासा करें। आशा जी, बात यह है कि मैं, जैसे आप जान, मेरी जड़ें भारत में है, मैं हिंदी पढ़ी हुई हूँ, हिंदी लिखती रही हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ और भारत में जाती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ हिंदी बोलने वाले लोग नहीं मिलते। मतलब हिंदी बोलते हैं, बातचीत करते हैं, फिल्मी स्टाइल बोलते हैं, जी, संस्कृत भाषा है वो यहाँ नहीं मुझे मिली। और तो मेरे भारत में भी जो साहित्य से संबंधित लोग नहीं है, वो भी ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। और मुझे ये कई बार बात खलता है, मेरे कानों में अटकपटा लगता है, कि जैसे लोग कहते हैं, ओ जस्ट चाय में थोड़ा सा मिल्क और डाल दो, शुगर कम। भाई मिल्क शुगर बोल रहे हो भैया, दूध डालो, चीनी डालो, ये संस्कार है या मुझे कुछ लगता है। तो जब मैं लिखती हूँ तो मेरे वही लिखती हूँ जो मेरे अंदर है। अब जाकर थोड़ा मैंने इंटरनेट के द्वारा या दूसरी चीजों के द्वारा पढ़ा
पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगता है, पर वो भी आपस में जब बात करते हैं किसी हिंदी पढ़े हुए लिखे आदमी से, वो बात और होती है। वो मुझे यहाँ बहुत कमी लगती है। तो मुझे सबसे ज्यादा डर ये लगता है जब मैं लिखती हूँ, उस वक्त तो मैं लिख लेती हूँ, कई बारी कोई शब्द अटक जाता है तो मैंने अब ये सोचा उसको अंग्रेजी में ही लिख के आगे बढ़ो, बाद में इसका शब्द ढूंढूंगी, क्योंकि शब्द भी कई कई कौन सा सही लगता है। लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि कई बार वैसे मैं साधा मैं सरल हिंदी बोलने के पक्ष में हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी कठिन हिंदी बोलूँ जो लोगों को समझ में ही ना आए, इसलिए मैं पर बोलो हिंदी मैं ये कहती हूँ, उसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों से उसका अंग्रेजी के शब्द ना ही डालो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भाषा में एक गरिमा नहीं रह जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल जब आप हिंदी समझती हैं बोलती, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मतलब ये मेरा स्वाभाविक मेरे रूप से मैं बात कर पा रही हूँ। लेकिन मैं फिर भी वो इंग्लिश वाली भाषा नहीं बोलती, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं भाई हिंदी बोल रही हूँ तो हिंदी बोल रही हूँ। ज्यादातर लोग जैसे ये भाषा शब्द भी है, मुझे याद है मेरे बेटा छोटा सा था तो मैं उसको भगवान उसके बारे कहता है, हमें पता है हम भगवान जी हिंदी भाषा में कहते हैं और गॉड इंग्लिश भाषा में, इसको भाषा शब्द कहाँ से आया? और ये सुनते सुनते शायद बच्चों में भी ये संस्कार पढ़ते हो। और मैं बात के बहुत मैं हिंदी पढ़ाती भी रही हूँ तो यही कहती हूँ भाई घर में हिंदी बोलो, बच्चों में संस्कार आएंगे। पर मैं तो भारत में भी जाती हूँ तो कोई हिंदी मुझे तो बोलने वाले बच्चे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, अंग्रेजी में ज्यादातर बात करते हैं और मैं अंग्रेजी में बात करती हूँ, मैं उसे हिंदी में बात करती हूँ। तो ये बात है, मुझे अच्छा लगता है कि एक भाषा है, गरिमा है, मेरे संस्कार है, मेरी संस्कृति है, इसको कुछ तो इसका मैं सम्मान करूँ, ये बात है, इसीलिए मैं बिल्कुल बिल्कुल। और आप वहां रह के जहाँ काफी कठिन है आपकी रोजमर्रा की भाषा, जब आप बोलती होंगी लोगों के साथ कहीं भी निकलती हैं तो आपको अगर जो भारतीय परिवार हैं उनके बीच भी अगर आप बात करती होंगी तो मैं समझ सकती हूँ कि 50% इंग्लिश और 50% हिंदी में बात रहती होगी उनके साथ भी। ऐसे में भी जब आप मुझसे अभी बात कर रही हैं तो पूरी तरीके से आप अच्छी हिंदी बोल रही हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है और निश्चित रूप से हर किसी को इस बात पे गौर करना चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कोई कविता जो आपके बहुत दिल के करीब हो उसका पाठ करें। मैं कविताएं तो कही थी पर मैंने ना जैसे स्त्री की बात कर रही थी, उसके संघर्ष की, उसके आगे की, और मैंने बताया कि जो स्त्री मैं चाहती हूँ, जो मेरी पैदा हुई स्त्री है, कहानियों में मैं स्त्री को कह नहीं सकती, वो पात्र अपना अपनी जगह अपने आप बनाते हैं। तो एक कविता लिखी मैंने और वो शायद सारा उसका उसको कहेंगे निचोड़ है, उसका सार है मेरे का अंतिम कविता में पढ़ती हूँ। इसका शीर्षक है बारूदी रंगे वो धीरे धीरे बढ़ रही है, स्त्री ही चल रही, वो धीरे धीरे बढ़ रही है सूरज की ओर, उसके पांव के नीचे बिछी है बारूदी सुरंगे, धधकती रूढ़ियां निषेध और वर्जनाएं, वो धीमे से पांव उठाती है पितृ सत्ता के पिछले पीछे जाल से बचकर, वो धीमे से पांव उठाती है पितृ सत्ता के पीछे जाल से बचकर आत्मनिर्भरता की सीढ़ी पर संभल कर पैर रखती है, एक कदम खुद बढ़ती है दूसरे हाथ से उठाती है अपनी संतान के सपने, वो बढ़ रही है एक एक कदम, सूरज पास आ रहा है एक एक कदम। वाह बहुत बढ़िया, सूरज पास आ रहा है एक एक कदम, बहुत ठीक है, धीरे ही आए लेकिन ये गति बनी रहे यही हम सभी चाहते हैं। एक छोटी सृजन करी वो ये औरत है जो पढ़ रही है आगे। जी 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 मैं इस बात को महसूस कर सकती हूँ सोच के कि आपको अमेरिका में बैठ के जहाँ आपको
हिंदी के लेखन के लोगों से ज्यादा मुलाकात नहीं होती है, कई लोग हैं लेखक लेकिन दूर दूर सब हैं, ज्यादा मिलना शायद नहीं हो पाता होगा, ऐसे में आपका लेखन निरंतर अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड वगैरह में है, पर अमेरिका में कम है, दो तीन ही कम है लोग। जी, और है भी वो, अगर है भी तो दूर है, ऐसे जैसे अब दिल्ली में जो है तो हर कोई कुछ दूर पे है तो चाहे तो मिल सकते हैं, बातें होती हैं, पर आप सिर्फ अच्छा, और आपका जो संपर्क करना होता है भारत के आपके मित्रों के साथ, वहां भी एक अड़चन आती है टाइम की, तो आप वो भी बहुत अच्छी तरीके से ना कर पाती होगी तो ऐसे में भी रात आप अपने एकांत का अंतर है, जी जी आप बिल्कुल, तो अपने ऐसे में हाँ जी, तो ऐसे में भी जब आप बहुत ज्यादा, लोग कहते हैं कि हमें वो माहौल मिले तो हम थोड़ा आगे करने लगते हैं, लोगों से बात करते हैं, एक माहौल देखते हैं तो हमारे मन में एक जोश आता है, लेकिन इस माहौल के ना मिलने के बाद भी आप अपने एकांत में जिस तरीके से साहित्य सृजन में लगी हुई हैं, और आपकी कई कहानियां जो जैसे कतार से कटा घर, या फिर अभी कुछ दिन पहले हंस में आपकी एक कहानी आई थी जिसका मैं शीर्षक भूल रही हूं, इंद्रधनुष का गुम रंग, अगर इंद्रधनुष जी का गुम रंग, ये था हाँ उसका। हाँ बहुत बहुत जी, वही उसकी शुरुआत से उस भाषा में इतनी कसावट थी कि उसने बिल्कुल मतलब पाठकों को बांधने की गजब की क्षमता पहली लाइन से ही, तो ये सब आप वहां एकदम एकांत में अपने अपने हिसाब से कर रही हैं, लगातार निरंतर एक अच्छे अच्छे विषय ला रही हैं, तो इसके लिए बहुत खुशी होती है मेरे मन में, और मुझे लगता है कि इसी तरीके से ये वास्तव में सच्ची और गंभीर साहित्य सेवा है। तो मैं नहीं। कविताओं जी, तो मैं कविताओं की अपनी बात हो रही थी, तो मैं माया अमृत जी ने जो स्वयं बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने आपकी कविताओं को पढ़ा और इसमें जो भूमिका लिखी मैं वो पढ़ रही थी, तो मुझे उनकी अंतिम पंक्तियां जो हैं वो बहुत सटीक लगी, आपकी कविताओं पे जो उन्होंने लिखा बहुत सटीक लगी, मुझे लगा इसी का जिक्र हम इसी को पढ़ेंगे, इसको मैं जरूर पढ़ूंगी, तो मैं उसी के का पाठ करती हूँ, उसके बाद हम लोग अपने कार्यक्रम का विराम देंगे। माया अमृत जी ने आपकी कविताओं के बारे में ही लिखा है कि ये कविताएं सिर्फ बाहर से पढ़े जाने के लिए नहीं है, ये कविताएं सिर्फ बाहर से पढ़े जाने के लिए नहीं है, जब तक आपके भीतर कुछ उथल पुथल ना मचे, जब तक आपकी चैन की मुद्रा में खलबली सी ना हो, या कि जब तक आपकी कथित सुख की नींद में खलल ना हो, तब तक इन कविताओं को पढ़ा हुआ नहीं माना जा सकता। सच तो यह है कि आपके भीतर एक सन्नाटा गूंजता छोड़कर कविता अपना काम पूरा करके चली जाती है, उसकी अब जरूरत भी नहीं है, उसे अब आपके भीतर रहना होता है सवाल बनकर, ये कविताएं इसी तरह रहेंगी आपके भीतर, विश्वास कीजिए। मुझे लगा बिल्कुल सही कहा, मैंने भी इस संग्रह को पढ़ा तो आपकी कविताएं पेज खोजने में जरूर मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, टाइम गया, लेकिन कविताएं याद थी जब मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि ये वाली पढ़िए करिए, तो सही में वो भीतर है, सवाल बनकर है, और होता है ना कि कई बार हम कविता पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन ये भूलने वाली कविताएं नहीं है, उज्ज्वलित करती है मन को, तो इस इतने अच्छे संग्रह के लिए मैं एक बार फिर से आपके इस संग्रह बहुत को बहुत जी बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत आगे के लेखन के लिए शुभकामनाएं, और मेरी कविताएं सब तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूँ। बहुत नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते।